सो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पे। और नाइन्थ क्लास इंग्लिश की आज एक और न्यू चैप्टर लेके हम आपके लिए आए हैं और इसका नाम है हाउस इज नॉट अ होम। और इस चैप्टर में आपको पूरी की पूरी स्टोरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको नाइन्थ क्लास इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है आप उस पर मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको नाइन्थ क्लास इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करना है सीबीएसई के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है हाउस इज नॉट अ होम। तो गाइस होता क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आफ्टर पासिंग जूनियर हाई स्कूल द ऑथर जॉइंड अ हाई स्कूल एंड इट वाज अ बिग स्कूल। मतलब जो राइटर है वो अपने हाई स्कूल को पास करने के बाद एक न्यू हाई स्कूल को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो जूनियर हाई स्कूल में था और अब वो उससे ऊपर जाता है तो वो एक न्यू हाई स्कूल को ज्वाइन करता है जो कि एक बड़ा स्कूल होता है। लेकिन जो राइटर होता है उसे अपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता क्योंकि उसके जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में गए होते हैं लेकिन वो एक दूसरे स्कूल में आया होता है जहाँ उसके ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होते। तो वो अपने ओल्ड स्कूल को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। इवन वो अपने टीचर्स को, ओल्ड टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो हमेशा उसे एनकरेज करते हैं कि तुम नए स्कूल में, नई एक्टिविटीज़ में, नए फ्रेंड्स के साथ, नए टीचर्स के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। सेकेंड पैराग्राफ, वन संडे आफ्टरनून, होता क्या है कि उसने जब हाई स्कूल के लिए स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम की बात की ही बात है कि एक बार वो अपने घर पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा होता है और उसकी एक बिल्ली होती है लाल कलर की जो उसके साइड में बैठी होती है टेबल के। इतने में उसे कुछ स्मेल आती है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे मानो उसके घर में कुछ जल रहा है। इतने में वो नोटिस करता है कि जो सीलिंग है, उसकी जो छत है जो लकड़ी की बनी हुई है, उस पर आग की जो लपटें हैं वो किस तरीके से फैलने लग जाती हैं और पूरा का पूरा जो रूम होता है वो आग के अंगारों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। और राइटर और उसकी मदर जो है वो उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं गाइस। जो राइटर है वो जाता है, भाग के नेबर्स को बताता है और वो कहता है कि फायर ब्रिगेड को आप जल्दी से बुला लो। लेकिन इतने में वो अपनी मदर को देखता है जो कि वापस घर के अंदर जा रही थी और वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इतने में उसकी जो मदर है वो एक मेटल बॉक्स लेके आती है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे कुछ, ठीक है। और ड्रॉपिंग द बॉक्स इन द लॉन, मतलब गार्डन में उसको ड्रॉप करके जो नरेटर की मदर है, जो राइटर की मदर है, ऑथर की मदर है, वो वापस अंदर जाती हैं और राइटर को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अंदर क्यों गई हैं, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसके फादर की कुछ आखिरी तस्वीरें हैं जो उसकी मदर के पास हैं और वो उनको गंवाना नहीं चाहती हैं। वो इमोशनल होती हैं उस टाइम पर, राइटर भी इमोशनल होता है, उनके पीछे भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में एक फायर ब्रिगेडियर का हाथ जो है वो उसे रोक लेता है। उसके बाद उसकी मदर को भी बाहर लाया जाता है और उसकी मदर जो होती हैं वो थोड़ा बेहोश होती हैं उस टाइम पर। द फायर वॉज फाइनली आउट, द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन। बाद में जो घर है वो पूरे तरीके से जल जाता है और जो आग है उसने कुछ नहीं छोड़ा होता। बाद में राइटर को ये बात रियलाइज़ होती है कि उसकी जो बिल्ली है वो गायब है और ये बिल्ली जो थी बचपन से उसके साथ थी, एक बार उसने इस बिल्ली को बचाया था और वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है उस बिल्ली के साथ। तो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, उसका पुराना स्कूल छूट गया है, नए स्कूल में उसका कोई फ्रेंड नहीं है, टीचर उसे जानते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अननोन है, फिर उसके घर में आग लग गई, उसके बाद बिल्ली जो है उसकी खो गई। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जैसे मुसीबतों का एक पहाड़ जो है वो उस पर टूट पड़ा है एक साथ, ठीक है। एंड द फायरमैन डिड नॉट लेट हिम गो इनसाइड। लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, अब राइटर जो है, बाद में जो राइटर है वो जाना चाहता था घर के अंदर देखना उसकी बिल्ली कहीं वहाँ तो नहीं है, लेकिन जो फायर ब्रिगेडियर्स हैं वो उसको जाने नहीं देते क्योंकि उन्होंने अभी अभी आग को बुझाया है और खतरनाक हो सकता है अंदर जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ, राइटर और उसकी मदर जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाते हैं नाइट को स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट डे मंडे का दिन होता है, जो राइटर था उसे स्कूल नहीं जाना था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी मदर ज़बरदस्ती उसको स्कूल छोड़ देती है और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म उस टाइम पे पहनी हुई थी जब वो होमवर्क कर रहा था और जो कि गंदी हो चुकी थी थोड़ी, लेकिन फिर भी वो उसी को पहन के जाता है। उसके पास शूज़ नहीं थे तो वो अपनी आंट के बच्चों के जो शूज़ होते हैं उनको धार ले लेता है और स्कूल बैग एट बर्न इन द फायर। और इवन उसका स्कूल बैग भी फायर में बर्न हो चुका था। उसे लगता है कि सब कुछ उसके लिए फिनिश हो चुका है। वो जब स्कूल में घूम रहा था तो जैसे मानो वो एक जॉम्बी बन चुका था, एक जिंदा लाश बन चुका था, जैसे मानो उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, कोई उसके लिए नहीं था वहाँ पे, कोई हेल्प के लिए नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, हर एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे काफ़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। लेकिन जब वो वॉक कर रहा था तो उस टाइम पे उसे अपने पुराने स्कूल की याद आ रही थी एंड ही वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। बाद में वो अपने घर के पास जाता है और वहाँ पे जहाँ जला हुआ पूरा का पूरा घर है तो वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि सब कुछ तहस महस हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा। हालांकि दुख मनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, उसकी मदर जो है वो उसे घर से बाहर निकालती है, वो जला हुआ जो घर था, और फिर बाद में जो उनके पास पैसे उन्होंने उधार लिए थे ग्रैंड पेरेंट्स से उससे वो थोड़ा बहुत
काम करना स्टार्ट करते हैं। इवन उनकी जो बैंक की आइडेंटिटीज थी, सारी की सारी चीज़ें तहस महस हो चुकी थी, जल चुकी थी, तो उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वो उधार ही ले सकते थे, वो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने पास में ही एक अपार्टमेंट जो था वो किराए पर लिया, और बाद में जब उन्होंने सारा मलबा हटाया, सब कुछ हटा वहाँ से, सब कुछ एरिया क्लियर हुआ, तो राइटर जो था उसके अंदर एक होप थी कि कहीं ना कहीं उसकी जो बिल्ली है शायद उसे मिल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो न्यूज़ थी उसकी फायर ट्रेजेडी की, वो स्कूल में फैल चुकी थी। आज जो लोग उसके से बातें भी नहीं करते थे, जो उसके फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, वो उसके साथ बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे थे, और वो उसे बार बार जल्दी से जिम रूम के अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, जो उससे बात भी नहीं करते थे वो लोग, तो उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। लेकिन जैसे ही वो जिम रूम में जाता है तो वहाँ पर एक टेबल पर उसे काफ़ी सारा सामान दिखाई देता है, जिसमें उसके क्लोथ्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, स्कूल की सप्लाईज होती हैं, ये सब उसके लिए क्रिसमस के लिए, क्रिसमस की तरह होता है, जैसे मानो उसे गिफ्ट्स मिल रहे हों काफ़ी सारे। और वो सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, और बाद में उसे डिनर के लिए भी बुलाते हैं अपने घर पे। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, 1 month लेटर ऑफ द फायर ट्रेजेडी, उनका जब घर बन रहा होता है और राइटर के साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं, तो उस टाइम पे राइटर शॉक हो जाता है जब उसे उसकी बिल्ली वापस मिल जाती है, क्योंकि एक विमेन जो होती है उसके हाथ में उसकी बिल्ली होती है जो उसे लेके आती है, और उसके कॉलर पे नंबर भी लिखा हुआ था लेकिन वो नंबर लग नहीं रहा था क्योंकि वो भी फायर में डैमेज हो चुका था। और कहीं ना कहीं उस वुमेन को पता था कि जिसकी भी बिल्ली है वो उसे मिस कर रहा होगा, और वो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आ गई, और राइटर को उसकी बिल्ली मिल जाती है और उसकी लाइफ भी वापस आ जाती है, क्योंकि उसकी जो जान है वो उसकी बिल्ली में बसती है। तो गाइस, मैसेज इस चैप्टर के अंदर यही है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंड नहीं करता कि जिससे हमें लगाव है वो बेजुबान है या उसके पास जुबान है। जो अटैचमेंट होता है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, और आपको किसी से भी प्यार हो सकता है, और उसे अपनी बिल्ली से बेतहा मोहब्बत होती है, प्यार होता है, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो कहीं ना कहीं उसे बिल्ली मिल जाती है और वो खुश हो जाता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने ओल्ड स्कूल को क्यों मिस करता है, नए स्कूल में उसे स्ट्रेंज क्यों फील होता है, उसके घर में क्या हो जाता है, बाद में लोग उसकी हेल्प कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। लास्ट में बिल्ली आ जाती है उसके पास, तो वो कहता है कि माई कैट वॉज बैक सो वॉज आए, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये आ जाता है कि उसकी बिल्ली भी वापस आ चुकी थी और उसकी लाइफ भी, क्योंकि उसका लाइफ में इंटरेस्ट वापस डेवलप हो गया था। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ पे जो GWE का बटन है उसको क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।